वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 25 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज्ड एज वेल एज पेड अप कैपिटल। तो सबसे पहले हम ऑथराइज शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें, और फिर शेयर कैपिटल की पब्लिकेशन के बारे में जो लॉ की रिक्वायरमेंट है उस पर बात करेंगे। तो पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन में ऑथराइज शेयर कैपिटल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसे हम नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं, मीन सच कैपिटल इज ऑथराइज बाय द मेमोरेंडम। ये अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में बाज़ूकात मेमोरेंडम की जगह आर्टिकल्स वगैरह लिख दिया जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। ये हमें क्लियर होना चाहिए कि ये अमाउंट मेमोरेंडम के अंदर मेंशन होती है शेयर कैपिटल क्लाज में। ऑफ अ कंपनी टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी ये वो मैक्सिमम अमाउंट होती है शेयर कैपिटल की जो एक कंपनी इशू कर सकती है। ये अमाउंट बाद इससे ज्यादा कंपनी शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती, लेकिन इस जो क्लाज में, इस मेमोरेंडम के इस पॉइंट में अल्ट्रेशन हो सकती है। वहां पर आप अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिफरेंट अल्ट्रेशंस कर सकते हैं जो सेक्शन 85 में डिस्कस होंगी। तो इसको चेंज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जितना भी फॉर द टाइम बींग अमाउंट मेंशन होगी मेमोरेंडम में, उससे ज्यादा के कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती होगी। अगर मजीद करने होंगे तो पहले आपको इस क्लाज को भी चेंज करना होगा, इसकी अल्ट्रेशन करनी होगी, और फिर मजीद शेयर इशू कर सकेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि कंपनी के जितना ऑथराइज कैपिटल हो, कंपनी के पास उतना पैसा भी हो, क्योंकि इतना कंपनी को ऑथराइज है, अलाउड है। हो सकता है कि कंपनी इतने शेयर इशू कर दे, हो सकता है कंपनी इससे कम कर दे। तो जो एक्चुअली कंपनी शेयर इशू करती है उसे इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। ये वो अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू होती है जो शेयर होल्डर्स को इशू हो गए, ऑथराइज में से जितने इशू हो गए, सारे के सारे हो गए या उससे कम हो गए। तो ये अमाउंट जो है ये ऑथराइज शेयर कैपिटल से इक्वल भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती, कैन नॉट एक्सीड इट। इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल को अलॉटेड शेयर्स भी कहते हैं। तो ये तीन पॉइंट्स हमें क्लियर होने चाहिए। अब इसका मतलब है कि जो कंपनी के पास एक्चुअल पैसा आया हुआ होता है वो तो होता है इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, और जितना कंपनी को अलाउड होता है कि वो शेयर कैपिटल इशू कर सकती है पब्लिक को या अपने दूसरे लोगों को, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, तो वो ऑथराइज शेयर कैपिटल कहलाता है। तो ये एक्चुअल जो पैसे हैं वो तो पेड अप वाले हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सेक्शन 25 डिस्कस करते हैं। वेयर एनी नोटिस, एडवर्टीजमेंट और अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी कोई भी कम्युनिकेशन कर रही है, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, ऑफिशियल पब्लिकेशन जो भी कंपनी के बिहाफ पर हो रही है, कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, के जहां पर कंपनी ऑथराइज कैपिटल मैंशन कर रही है, तो उसी नोटिस, एडवर्टीजमेंट और अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन में लाजमी तौर पर एक स्टेटमेंट दी जाएगी, इक्वली प्रोमिनेंट पोजिशन एंड इक्वली कॉन्स्पिकस करेक्टर्स, यानी प्रोमिनेंट और कॉन्स्पिकस दोनों बेसिकली सेम बात है, के वाजे होने चाहिए, प्रोमिनेंट भी उतने ही होने चाहिए, कॉन्स्पिकस करेक्टर्स भी उसी स्टाइल के होने चाहिए जिसमें आप पेड अप कैपिटल भी मेंशन करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑथराइज कैपिटल एक कंपनी का हो सकता है कि कई अरबों रुपए में हो, बिलियंस ऑफ रुपीस का ऑथराइज कैपिटल हो, लेकिन एक्चुअल पेड अप कैपिटल जो है वो जस्ट फ्यू मिलियन हो। एक कंपनी 500 मिलियन का ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसका, और हो सकता है कि सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल जो एक्चुअल उनके पास पैसा आया है वो अभी तक सिर्फ 100 मिलियन आया है। तो इससे जो लोग हो सकते हैं, जनरल पब्लिक या इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वो मिसलेड हो सकते हैं कि कंपनी के पास कितना पैसा है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जहां पर भी ऑथराइज शेयर कैपिटल मेंशन किया जाए तो पेड अप कैपिटल भी उसके साथ ही मेंशन किया जाए। तो इसको एक एग्जांपल से भी ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल 500 मिलियन है और जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 100 मिलियन है। तो अब यहां पर आप देखें कि ऑथराइज शेयर कैपिटल बहुत वाजे लिखा हुआ है, जबकि पेड अप शेयर कैपिटल बिल्कुल छोटे साइज में लिखा हुआ है। तो ये लॉ के मुताबिक नहीं है, इक्वली प्रोमिनेंट होना चाहिए, इक्वली कॉन्स्पिकस भी मतलब होता है वाजे करेक्टर, उसी तरीके के होने चाहिए। तो ये लॉ के मुताबिक नहीं है। अगर हम लॉ के मुताबिक चलें तो वो कैसे होगा कि देखें, जिस फॉन्ट साइज में जितना प्रोमिनेंट ऑथराइज शेयर कैपिटल है उतना ही प्रोमिनेंट और कॉन्स्पिकस जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल भी मेंशन है, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। इस तरीके से हम किसी भी एडवर्टीजमेंट, नोटिस या पब्लिकेशन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और ये सिंपल सा पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसकी पेनल्टी भी है। कोई भी कंपनी जिसमें डिफॉल्ट होता है इस रिक्वायरमेंट के साथ, तो उस कंपनी का हर वो ऑफिसर जो उस डिफॉल्ट की पार्टी होगा, उसको लेवल 1 तक की पेनल्टी स्टैंडर्ड स्केल के मुताबिक लग सकती है। तो वो फाइन जो है वो उनको पे करना पड़ेगा।
तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.